हेलो गाइस, एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे करें। तो अगर आप लोग भी किसी उस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोग एकदम अच्छे से सीख पाएँ। तो अगर आप लोग वॉच करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं रियल पिक है और ये एडिटिंग किया हूँ, तो देख लीजिएगा इसका क्वालिटी भी कितना हाई है, एकदम कितना अच्छा फेस स्मूथ हुआ है। तो हम रियल पिक को अपने शेयर कर लेंगे स्नैपशीट के अंदर। तो शेयर पे क्लिक करेंगे, स्नैपशीट पे क्लिक कर देंगे और टूल्स पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। वहाँ देना है जहाँ पर ब्लैक है, तो वहाँ पर दे देता हूँ ब्राइटनेस को एकदम अच्छे से, तो वहाँ पर दे दीजिएगा। तो जिस तरह मैं दे रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को देना है, तो ऐसे ही बढ़ा देंगे। और यहाँ भी दे देता हूँ थोड़ा इस टाइप से ब्राइटनेस, तो इस टाइप से आप लोगों को दे देना है। ऐसे देने देंगे तो एकदम अच्छा सा फोटो एकदम अच्छा सा एकदम गोरा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग गोरा कर लेंगे। पूरा करने के बाद देख सकते हैं, तो डिटेल्स पर क्लिक कर स्टार पैनिक को बढ़ाएंगे, ज़्यादा हो गया तो इसको माइनस कर देंगे, इससे क्वालिटी हाई होता है। तो डन कर देंगे, देख सकते हैं क्वालिटी कितना हाई हो गया है हमारा, तो एकदम अच्छा हो चुका है। तो इसको शेयर कर लेंगे लाइट रूम के अंदर, तो लाइट रूम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक ऑल फोटो पर क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं आ गया हमारा फ़ोटो। तो हम इसको प्रीसेट से बनाएंगे एकदम, तो प्रीसेट यूज़ करेंगे, तो ये प्रीसेट डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, कॉपी सेटिंग कर देंगे, सही पे क्लिक कर देंगे, डन पे, और अपने फ़ोटो के अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो थ्री डॉट पे और पेस्ट सेटिंग कर दीजिएगा, तो हमारा फ़ोटो एकदम अच्छा हो जाएगा। देख लीजिएगा कितना अच्छा हो चुका है, एकदम फेस कितना अच्छा हो चुका है, देख लीजिए, आप लोग दिख ही रहा होगा। तो इसको हम शेयर कर लेते हैं, शेयर करेंगे इसको ऑटोडेस्क के अंदर। तो ये पेंसिल वाले पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इससे फेस स्मूथ करेंगे, आप लोगों को पता ही होगा। तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे, साइज देख लिए, फ्लो को 4 रखते हैं, स्टैंड को 10 रख के देख दें और साइज को अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। तो इस तरह आप लोगों को चला देना है, तो इस तरह मैं कर रहा हूँ, देख सकते हैं स्मूथ होने लगा। तो वीडियो को हम यहाँ से फास्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इतना होने के बाद देख सकते हैं कितना फेस एकदम हार्ड स्मूथ हो चुका है। तो इसको शेयर कर लेते हैं फोटो रूम के अंदर, तो वो फोटो रूम के अंदर शेयर करेंगे, तो फोटो रूम पे क्लिक कर देंगे। तो फोटो रूम पे क्लिक करने के बाद इससे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तो बैकग्राउंड एकदम अच्छे से रिमूव हो जाता है, केवल वाटरमार्क आ जाता है, तो बस वो वाटरमार्क हम रिमूव कर देंगे। तो बहुत लोग यही बोल रहे थे वाटरमार्क कैसे रिमूव करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तीसरे नंबर वाले पे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं रिमूव हो चुका है, तो सेव टू गैलरी कर लेंगे। करने के बाद हम इसको हटा देंगे इसको एकदम हटा देंगे, गैलरी में जाएंगे और वो बैकग्राउंड ले लेंगे। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड आप लोग ले लेना है जहाँ पर आप लोगों का बैकग्राउंड हो, तो मैं ले लेता हूँ, ये रहा हमारा बैकग्राउंड। तो देख सकते हैं ये वाले दो बैकग्राउंड, ये वाला हैंड में पकड़ाएंगे और ये रहा, तो इसको पिक्सआर्ट में शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद देख सकते हैं तो पिक्सआर्ट के अंदर आ चुके हैं, तो हम इसको करेंगे ऐड फोटो क्लिक, तो इसको बैक कर देंगे, ऐड फोटो क्लिक करेंगे और हमें अपने फ़ोटो को ले लेना है। तो इस तरह फ़ोटो को ले लेंगे और देख सकते हैं एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ एकदम, आप लोग एकदम अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ एकदम, तो इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट करेंगे तो आप लोगों का फ़ोटो एकदम अच्छा हो जाएगा। तो एडजस्ट करते हैं, तो करने के बाद देख सकते हैं एडजस्ट थोड़ा और कर देते हैं एकदम थोड़ा नीचे की साइड, और इतना होने के बाद देख सकते हैं इसको हम कर देंगे ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एक बार और, तो ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और हम वो ले लेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आप लोगों का हो वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर है तो इसको ले लेंगे, आग को और इसको थोड़ा ये छड़ी सी इसको ले लेंगे और आग को ऊपर करेंगे, छड़ी को अपने हैंड में सेट करेंगे। तो इस तरह आप लोगों को एकदम अच्छे से सेट कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, सेट करेंगे एकदम अच्छे से। तो आप लोगों को जिस टाइप से सेट करना है तो इस टाइप से सेट करेंगे, तो सेट होने के बाद हम इरेजर वाले पे क्लिक कर देंगे। तो एकदम सेट करने के बाद इस पर क्लिक करना एक बार और ऊपर देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे और इरेजर पे जूम करेंगे और अच्छे से एकदम कर देंगे, तो अच्छे से इरेज कर लेंगे। तो देख सकते हैं इरेज कर लेते हैं एकदम अच्छे से, थोड़ा टाइम दीजिएगा जिससे आपका फ़ोटो एकदम हार्ड बनेगा। तो इस तरह भी इरेज कर लेते हैं एकदम, हैंड में सेट कर लेंगे, इरेज वाले क्लिक करेंगे एकदम अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को जिस टाइप से सेट कर लेना है देख सकते हैं, कुछ आराम आराम से कर देना है। तो यहाँ से थोड़ा और कर देते हैं एडजस्ट, तो आप लोग कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा, देख सकते हैं हो चुका है।
अब देख सकते हैं हो चुका है हमारा। तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, आग वाले पे उसको भी लगा देंगे। तो ब्लेंड पे स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, उसको भी सेट कर देते हैं छोटा करके, एकदम अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हो चुका है। तो हम इसको कर देंगे यहाँ से डन। तो देख सकते हैं डन पे क्लिक कर देंगे। डन होने के बाद देख सकते हैं लिप्स कलर करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे रीटच पे। पहले हम इसको बॉटम मार्क रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से फोटो रूम पे क्लिक कर देते हैं, इसको हटा देंगे तो एक बार में ही हट जाएगा। तो रिमूव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और एकदम अच्छे से हट जाएगा। तो हट चुका है, थोड़ा वाइट आ गया है तो उसको हटा देंगे थोड़ा और। तो इतना होने के बाद देख सकते हैं एक बार में ही हट गया। तो इस तरह आप लोग भी हटा लेना वाटर मार्क को। तो हटाने के बाद रीटच पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं। तो रीटच पे हम क्लिक कर देंगे तो हो गया।